अरे क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हैं? ना तो थोड़ी मदद करो। अरे रहने दीजिए भाई साहब, कितना मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। बहुत नसीब पड़ा। जिसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली, सच्ची बहुत खूबसूरत है। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। जब मैंने पहली बार देखा तब से ही तुमसे प्यार हो गया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। काम तो चल रहा है भैया, सब ठीक है भाई। अकेले मुझे बुला लेते। क्या बना है आज? आलू की सब्जी है और दाल है। तो भैया आपका काम कैसे चल रहा है? मेरा भी बढ़िया चल रहा है। तो भैया मैं एक्चुअली ना वापस से काम के लिए जाने वाला कुछ दिनों के लिए, बिजनेस का काम के लिए। अरे देखो, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, बीवी को टाइम देने की जगह तुम बार बार कंपनी के काम से बाहर ही जाते रहते हो, ऐसा कैसा चलेगा? थोड़ा टाइम अपनी बीवी को भी तो दो। ऐसे भी ये सब तो मैं इसी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम तो काम होता है ना, जाना तो पड़ता ही है। लेकिन परिवार भी जरूरी है, ये चीज याद रखो। चलो तुम क्या करो, तुम भी बैठ जाओ। हाँ कोई नहीं, हम ले लेते हैं, आप भी बैठिए। खाइए खाइए, आप लोग खाइए। अच्छा पति है मेरा भाई। आप बोलते हो आपको सब कर देता, आप बोल रहे हो नहीं भाई, बिल्कुल। इतना काम करती हो तो थोड़ा बाहर भी जाया करो घूमने। क्या करूं भाई साहब, अब पुनीत को तो काम से फुर्सत ही नहीं है, और ऊपर से मेरे यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है, तो किसके साथ जाऊं घूमने के लिए? चलो कोई नहीं, आज हम तुम्हें घुमा के लाते हैं और शॉपिंग भी करवाते हैं। एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम निकलते हैं। ठीक है भाई साहब।
मैं जल्दी रेडी होके आती हूँ। भाई साहब चलिए मैं रेडी हूँ। पुष्पा कहाँ हो? पुष्पा The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. फोन भी नहीं लग रहा है उसका। अच्छा था मजा ही आ गया, मतलब काफी लंबे टाइम की बात है जॉब करने का वक्त मिला मतलब। भैया अरे पुनीत तुम कब आए? हाँ भैया वो ऑफिस का काम खत्म हो गया तो सोचा जल्दी घर आ जाऊं। आप लोग दोनों कहाँ गए? सुषमा घर पे बोर हो रही थी और तुम्हारे पास तो वक्त होता नहीं है, तो मैंने सोचा सुषमा को घुमा भी लाता हूँ, थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी, तो बस मार्केट तक गए। ये आपने बहुत अच्छा किया भैया। वैसे क्या लाई हो दिखाओ तो सही। हाँ हाँ चलो आप पहले बैठिए, मैं आपके लिए गर्म गर्म चाय लाती हूँ। बैठिए भैया। तुम बताओ कैसा रहा मतलब? क्या बोले, जब देखो तब मोबाइल मोबाइल मोबाइल, कभी हम पे भी ध्यान दिया करो। ऑफिस का काम करना तो पड़ेगा। ठीक है कितना काम करोगे, कभी रोमांटिक भी बन गया करो। ऑफिस जल्दी आ गया तुम्हें सुनो। अरे जी सुनो तो मेरी बात तो सुनो। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम को, लेकिन अगर एक बार आप डॉक्टर को चेकअप करवा देते तो अच्छा होगा ना। ये कैसी बातें कर रही हो तो? और ये क्या डॉक्टर नंबर लगा रखा है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें जाना है डॉक्टर के पास, जाओ। मेरी बात तो सुनो। मुझे सोने दो, मुझे नहीं बात करनी है। मेरी बात तो सुनो। देखो भैया अभी तो ठीक कह रहे हैं, इतना वक्त हो गया हमारी शादी को, मैं भी चाहती हूँ कि हमें एक बच्चा होना चाहिए। तुम अपनी बीवी को लेके कहीं बाहर क्यों नहीं जाते हो? अब क्या करूं भैया, प्रमोशन के बाद से बहुत काम का प्रेशर बढ़ गया। लेकिन बीवी भी तो जरूरी है ना। ठीक है भैया मैं ध्यान रखूंगा। चाय भी आ गई। देखो पुनीत तुम्हारी शादी को हो गया 4 साल, अब हम भी चाहते हैं कि इस घर में कोई बच्चा, तो तुम अब ये काम काज छोड़ो और अपनी बीवी की तरफ ध्यान दो। देखिए भैया अब वो भी शर्मा गए आपकी बातों से। बाप की नजाकत को समझो कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये भी जरूरी है। सोचो इसके बारे में जरा। अरे क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो?
ना तो तुम्हारी मदद करो। अरे रहने दीजिए भाई साहब, कितना मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। मेरा भाई बहुत नसीब पाया। जिसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली, सच्ची बहुत खूबसूरत है। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। जब मैंने पहली बार देखा तब से ही तुमसे प्यार हो गया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सुषमा, अरे मेरी जैकेट सारी कहां पर है? सुषमा, अरे आई बाबा, यहीं पे तो। छोड़ो, मुझे वो सब नहीं चाहिए, फिर यही पहन के चला जाऊंगा। बैग पैक कर लिया मेरा, सब कुछ रखिए, मेरे फाइल्स। सुनो ना पुनीत, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे इतने सालों का सपना पूरा हो रहा है। कौन सा सपना? मैं वहां बनने वाला हूँ। मैं कह रहा था ना तुम्हें, मुझे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मैं पता नहीं चलता तुमको मैं कितना खुश हूं। वो डायमंड नेकलेस तुम्हें चाहिए थी ना? मैं ट्रिप के बाद वो पक्का तुम्हें दे दिया। नहीं, मुझे ना नहीं सुनना है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लेट हो रहा है, आने का हम पार्टी करेंगे। I'm very happy today. अरे कितना काम करती, कितनी बार मना किया। ऐसी हालत में तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। तुम्हें हजार बार समझाया, मैं हूं ना। अगर तुम ध्यान से, अगर कोई भी काम होता तो मुझे बताओ ना। कितना थक गई हो, चेहरा बता रहे थे। एक काम करो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस ले। मैं ठीक हूँ। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए भी और इसके बारे में भी सोचा करो। और तुम आराम करो, मैं लेके आता हूँ। तबीयत तो सही है ना तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुम ध्यान रखो अपना और इस बच्चे का। बहुत चिंता है तुम दोनों की। काफी समय के बाद हमारे भी आंगन में बच्चे की क्रिकेट आ रही है गुंजी।
तुमने कितनी बार मना किया है कि अपना ध्यान रखा करो और काम मत किया करो, अपना नहीं तो कम से कम इसका तो ध्यान रखो। मैं ठीक हूँ। कितनी थक गई हो तो ध्यान रखा करो अपना। और पता कितना खुश हूँ मैं कि हमारा बच्चा आ रहा है। वाह भैया वाह, अब तक मैं अपने बच्चे की खुशी मना रहा था, लेकिन सच तो ये है कि बच्चा आपका। अच्छा हुआ तुझे पता लग गया। और तुम, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरे भाई के साथ शारीरिक संबंध। जी वनित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? हिम्मत भगवान, ये क्या, ये मैंने क्या कर दिया? भगवान, मैंने अपने पति को ही मार दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, हमेशा। और ये हमारा बच्चा है। हाय हाय, क्या माल है। ओए होए, अगर ऐसे ही लड़की जिंदगी में आ जाए ना तो कसम से जिंदगी बन जाए। पता नहीं अपने को ऐसी लड़कियां क्यों नहीं मिलती। तेरी जुल्फे होए होए लाली, ये फोटो में इतनी नमकीन है तो असल जिंदगी में कैसे होगी। ये हर बार मूड खराब करने पता नहीं कौन घंटी कर देता है। हेलो हेलो भैया, कैसे हो भाई? क्या हो गया आजकल, तुम भूल गए हो ना कुछ फोन ना कुछ मैसेज? अरे याद तो इतनी आ रही है कि कल वापस आ रहा हूँ मैं। ओए हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चल तू कल घर आ, कल मिलके बात करेंगे। चलो भैया बिना। अरे पुनीत, तू आ गया मेरे भाई? जी भैया, और आज अकेले नहीं आया। तो आपकी बहू आई है मेरे साथ, सपना। अरे तुम ये क्या कर रही हो? उठो, अरे तुमने शादी कर ली? बुलाना तो दूर की बात, बताया तक नहीं, सब जल्दी जल्दी में हो गया। चलो ठीक है, अभी अंदर आ दो। मैं
भाई आप यहाँ पर? हाँ वो मतलब मैं चाय के लिए आया था कि सर बहुत दुख रहा था, अगर तुम चाय बना देती तो। जी मैं बना देती हूँ, आप बैठिए ना बाहर, मैं लाती हूँ। सपना क्या हुआ इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया। पुनीत से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर चली आई थी। देखो सपना तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो तुम एक दोस्त की तरह बता सकती हो, या कहीं तुम्हें पुनीत के बारे में पता तो नहीं चल गया? पता चल गया मतलब? खैर छोड़ो जाने दो, क्या हुआ तुम मुझे बताओ। नहीं नहीं भैया मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है, क्या पता चल गया? देखो शादी से पहले हमने पुनीत को डॉक्टर के दिखाया था और डॉक्टर ने बोला था वो शादी के बाद कभी भी अपनी बीवी को शारीरिक सुख नहीं दे पाए। मुझे लगता है शायद तुम्हें पता चल गया होगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सपना देखो अपने आप को संभालो। सपना अपने आप को संभालो। देखो मैं जानता हूं एक बीवी के लिए पति का सुख बेहद जरूरी होता है, लेकिन अगर शादी के बाद पति ही वो सुख बीवी को ना दे पाए तो बीवी बाहर फेर कर देती है जिससे परिवार की बहुत बदनामी होती है। देखो सपना तुम बहुत प्यारी लड़की हो, तुम्हें कोई भी प्यार कर ले, तुम मुझे भी बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, अगर तुम्हें पति के सुख की भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बोल सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ और रहूंगा। संभालो अपने आप को। जब देखो तब फोन फोन फोन। सुनो ना मैं क्या बोल रही हूँ कि हम कहीं घूमने चले, कितना टाइम हो गया हमने साथ में टाइम भी स्पेंड नहीं किया है। हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ मतलब क्या तुम्हारा? वही जो तुम जानते हो। मैं क्या बोल रही हूँ अगर तुम्हें कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो तुम एक बार डॉक्टर को दिखा नहीं देते? तब बेकार बातें कर रही हो तुम, चुपचाप सो जाओ मुझे भी सोने दो। अरे पर ये पर ले अगर तुम्हें पति के सुख की भी जरूरत हो तो तुम मुझे बोल सकती हो। सपना मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं और रहूंगा। We'll be right back.
जा रहे हो क्या? हाँ भैया, पुणे निकल रहा हूँ बिजनेस से, काम की तरफ से। कल तक आ जाऊँ। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? तुम भी अपना ध्यान रखना, खाना ठीक से खाना। भैया निकल रहा हूँ। ओके ठीक है, ध्यान से जाना। आज हमारे बीच में कोई नहीं है, आज तो हम जी भर के प्यार करेंगे। क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, अभी तो होगा। क्यों कर रहे हो? अच्छा हो गया, हमें साथ में वक्त गुजारने का मौका तो मिला। बहुत खूबसूरत हो तुम, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मुझे तुम। तुम्हारी आंखों में हमेशा के लिए खो जाओ। अरे ऐसा कुछ नहीं है। चुप रहो आप, कैसे कर सकते हैं सब? शर्म नहीं आती आपको? मैं समझाता हूँ। शर्म नहीं आती है क्या आपको? पुनीत मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भाई की दीदी के साथ ये सब? छे मुझे समझाने का मौका तो दो। चुप रहिया, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार सुन तो लो, अब तुम जैसा सोच क्या कर रहे हो तुम ऐसा? चुप रहो तुम। अरे अरे क्यों मार रहे हो तुम? आप हटिए यहां से। तुम्हारे और मेरे प्यार के बीच में कोई भी नहीं आएगा, और सिर्फ तुम और मैं। चलो दीदी बेटा, कपड़े चेंज कर लो, खाना खा लो। पापा मैंने खा लिया, आप खा लो, मैं बाहर से खा कर आया। आज भी बाहर से खा के आए? हाँ पापा, वो एक्चुअली कल ही लोगों ने प्लान बनाया तो बस डिनर करके। ठीक है आप खा लो। देखो बेटा, आज मैंने तुम्हारी माँ की पसंद का खाना बनाया है, इतना अच्छा बनाया मैंने, देखो एक बार खा के देख लो। हाँ पापा मैं समझ रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन अभी जा रहा हूँ सोने। ओके गुड नाइट, आप खा लो। अरे उदित नाश्ता ठंडा हो रहा है, आ जाओ जल्दी।
अपना नाश्ता वास्ता अभी नहीं, एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है, मैं बाहर से कुछ कर लूंगा। अरे सुनो तो भाई, पापा सुनना वरना सब बाद में, और हाँ सुनो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये कहाँ गया वो, ये रहा बिजली बिल और फोन का बिल, दोनों यहाँ से भरवा देना। ओके पापा, ठीक है निकाल रहा। देखा सुशील, आज अपना बेटा कितना बड़ा हो गया, आज उसे अपने बाप की नस्ल देखनी है, आज उसे मेरा बर्थडे भी याद दिया। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूं, दोस्ती डॉट कॉम में आपका स्वागत है। हम आपका अकेला पन कैसे दूर कर सकते हैं? हेलो, क्या मैं आपसे कभी भी बात कर सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल, आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेशनल कॉल के पैसे भरने पड़ेंगे। जी कोई टेंशन नहीं है। देखिए काफी दिन हो गए आपसे बात करते हुए, मुझे आपसे मिलना है, क्या हम मिल सकते हैं? नहीं, हम आपसे नहीं मिल सकते क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी है किसी से भी ऐसे नहीं मिल सकते। लेकिन मुझे आपसे मिलना है। अगर आपको हमसे मिलना ही है तो फिर आपको हमारी कंपनी के एक्स्ट्रा पे करने होंगे। हाँ कोई बात नहीं, मैं ड्राइव कर दूंगा। अच्छा ठीक है, तो मैं मिलने के लिए कंपनी में फिर आपसे बात करती हूँ। ठीक है। हेलो
मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आपने मुझसे मिलने के लिए 20,000 रुपए खर्च कर दिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। थैंक यू सो मच। लेकिन अब जब से तुम मिली हो ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी मिली। काश तुम बहुत पहले मिले होते, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के, बहुत अच्छा लगा तुम्हें मिल के। अब बस रोज मिलते रहेंगे। आज इतनी लेट क्यों आई हो तुम? वो क्या है ना, मेरी माँ की हालत बहुत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और हॉस्पिटल वालों ने ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया, 1,00,000 रुपए का खर्चा बताया। तुम परेशान मत हो, आज मेरे बेटे ने कुछ पैसे दिए हैं, तुम रख लो, बैंक में जमा करने थे, तुम रख लो अभी। थैंक यू सो मच। वेलकम, बाय। परेशान था, कहाँ हो? हाँ, एक्चुअली मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? एक्चुअली मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ रहना पड़ा पिछले 1 महीनों से। तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आओ, या हम लोग मिलकर बात करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं आके मिलती हूँ। जल्दी आ सर, जल्दी आ जाओ। ठीक है, बाय। ठीक है। क्या परेशानी है? क्या बताऊं, मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे घर से निकाल दिया है और मुझे रहने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरा एक फ्लैट पड़ा है, तुम उसमें रह सकती हो। आपने अगर मुझे घर से निकाल दिया तो, और आपके बेटे ने अगर ऐतराज किया तो, काश कि मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं खुद के लिए घर खरीद सकती। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें फ्लैट खरीद के दे सकता हूँ, वहां से तुम्हें कोई भी नहीं निकालेगा, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम्हें फ्लैट खरीदने हो। क्या मजाक कर रहे हैं आप, कोई किसी को इतने पैसे कैसे दे सकता है कि वो खुद का घर ही खरीद ले? मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हें एक फ्लैट भी नहीं खरीद सकता। एक काम करते, आज ही फ्लैट नहीं खरीदते। नहीं,
आप मेरे साथ फ्लैट देखने नहीं जा सकते हैं क्योंकि मेरी माँ को पता चला वो मुझसे पूछेंगे कि आप कौन हैं और इतनी जल्दी मैं अपना और आपका रिश्ता दुनिया के सामने नहीं ला सकती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम अपना फ्लैट खरीद लेना। हाँ एक फ्लैट तो है जो मेरे घर के पास ही है और वो बेच रहा है लेकिन उसे आज ही सेल करना है। हाँ तो ठीक है, तुम बात कर लो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। हाँ सर पक्का, आप मुझे सच में पैसे देंगे? मैं सच में जाके बात करके आती हूँ फिर। पक्का? क्या बात है, नासिर फोन क्यों उठा रही? आज एक महीने से ज्यादा हो गया, कहीं कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? आज तक ऐसा कभी किया नहीं उसने। ये क्या किया आपने? आपने एफडी तोड़वा दिया है? यार आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है मैं आपको देता हूं कि नहीं देता हूं, फिर ये एफडी तोड़वाने का जरूरत क्या था? वैसे मुझे बताइए इतने सारे पैसों का आपने किया क्या? पापा मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, इतने सारे पैसों का आपने किया क्या? और एटलीस्ट एक बार मुझे बता तो देते। पापा आई एम आस्किंग यू समथिंग। देखो पापा ये सब रोने धोने की जरूरत नहीं है, पहले मुझे वजह बताओ कि आपने एफडी तुड़वाया क्यों? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? यार ये बुढ़ापे में ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आई? पापा एक बार एटलीस्ट मेरे बारे में तो सोच लेते। यार आपका जवान बेटा है, दुनिया वाले मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, आपने सोचा ही नहीं यार। देखिए पापा मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ, आप रहो अकेले अपने आयुष्मी के साथ। पापा मैं नहीं रह सकता हूँ आपके साथ, मैं जा रहा हूँ। नहीं पापा मैं नहीं रह सकता, मैं बोल रहा हूँ रहो अपने आयुष्मी के साथ, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया। अगर तुम नहीं जाती तुम्हें इतना बहक नहीं जाता, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत
बड़ी दुखी मुकेश।